जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि कल जो घटना घटी थी, लाइट से चिपक कर एक मजदूर की मौत हुई थी, उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और आइए मालूम करते हैं किस विषय में ज्ञापन दे रहे हैं, कल किस विषय में दिया सर ज्ञापन। ईदगाह के पास स्थित वार्ड नंबर 12, उसमें है जो 33,000 KV की लाइन, आज है तो पूरा आबादी से भरा घना क्षेत्र है, और उसमें 33,000 KV की लाइन, हाई टेंशन जो लाइन है वो सारे घरों के ऊपर से निकल रही है। सैकड़ों बार जो है प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, सैकड़ों घटनाएं घटित हो चुकी है, 50 लोगों की जनहानि हो चुकी है। काफ़ी कुछ करने के बाद भी प्रशासन टस से मस नहीं है, और कल इसी प्रकार की दर्दनाक तो एक मजदूर की हुई, उसके बावजूद अभी तक प्रशासन जो है विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुँचा है और न किसी प्रकार की कार्रवाई की है। हम सब मोहल्ले वासी वार्ड नंबर 12 जो इस समस्या से ग्रसित है, पीड़ित है, वो सब आज ज्ञापन है जो देने हम आए हैं। इस प्रकार की हाई टेंशन लाइन जो कभी भी जो है बहुत बड़ी दर्दनाक घटना और बहुत बड़े उसमें बदल सकती है, उसको जो है हटाया जाए और तुरंत प्रभाव से हटा जाए, और नहीं हटती तो आज हम सभी वार्डवासी इस मोहल्ले के यहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर होना पड़े। आप बोलो। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? इस लाइन से पूरा गंगापुर प्रभावित, मकान बन गए, लोगों के पट्टे मिल गए, और उसके बाद कई बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, कई घटनाएं हो चुकी है, और ज्ञापन देने के बाद भी आज तक कोई भी जो है विद्युत विभाग ने निर्णय नहीं लिया कि इसको हटाई जाए। अब पूरा शहर प्रभावित है, अगर इसको अंडरग्राउंड लाइन डाल दी जाए या फिर बाईपास होकर अगर इसको भेज दी जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं हो। अब आम आदमी अपने मकान पर सुरक्षित नहीं है, मकान के ऊपर चढ़ने में हिम्मत नहीं है, तो 3-4 फीट से भी खींचती है लाइन, सारे लोग भयभीत है इस लाइन से। शासन केवल ये कहकर के मुकर जाता है कि है जो मतलब ये पोलर लाइन पहले कटी, तुम पहले आए ऐसा कह करके कि है जो तुम गलत बस गए हो यहाँ, गलत बस गए, क्योंकि है जो जब आबादी बढ़ी है तो बढ़ेगी, तो उस हिसाब से उसका गवर्नमेंट ने उसका पट्टा क्यों दिया, क्यों उनमें मकान बनवाए, उनको पहले बस तो सरकार वहाँ पट्टे क्यों दिए। अगर ये लाइन गलत है, वहाँ पर हम गलत बसे हैं, तो सरकार ने हमें वहाँ पर पट्टा क्यों दिया है, वहाँ हमें निर्माण स्वीकृति क्यों दी है, वहाँ हमें मकान बनाने की परमिशन क्यों दी है, सरकार को उसके लिए रोकना चाहिए, परमिशन नहीं देनी चाहिए। हर दिन है जो घटनाएं घटित हो रही है और जारी है, और इसके लिए मैं गवर्नमेंट को 3 बार पैसे जमा करा चुकी हूँ, लेकिन लाइन अंडरग्राउंड नहीं हो रही है। आज AEN का ट्रांसफर हो गया, आज XEN का ट्रांसफर हो गया, आज ये हो गया, पिछले 8 साल से यही नाटक चल रहा है, और हर साल मेरे हॉस्पिटल में 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है उस चीज से। हर साल 2-3 बार मीडिया में ये चीज न्यूज आ चुकी है, लेकिन किसी ये पूरे गंगापुर की समस्याएं हैं, कभी खा कभी खा कभी खा, शहर में जाने वाली लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए। केवल ये कह रहे से कि पोल पहले लगा है या तुम आकर के पहले बस हो, ये कोई मतलब समाधान थोड़ी हो, आकर के बस गए, पूरी कॉलोनियां डेवलप हो चुकी है, आए दिन उसमें जो आदमी चिपक चिपक करके कीड़े मकोड़ों की तरह खत्म हो रहे हैं, और प्रशासन ये कह करके जो मतलब अंडरग्राउंड लाइन होने का करोड़ों का बजट आया, हम क्या करते विद्युत विभाग ऊपर जाने से भयभीत है पूरे। ऐसा नहीं है, बजट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ अंडरग्राउंड कर दी जाए या उसको लाइन को सही दिशा में कन्वर्ट कर दिया जाए, बजट आता है। जब तक तो सरकार का कोई काम करता नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, नहीं नहीं हटेंगे, और ये कई बार दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कई बार दे चुके हैं, हम सबका काम करते हैं। जयपुर की लाइन पूरी आबादी के बीच में होकर के जा रही है, ये तो कल इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती कि पूरी की पूरी कॉलोनी सफा हो जाती। भगवान की कृपा है कि सिर्फ एक व्यक्ति की जान से इतनी बड़ी दुर्घटना टल गई, और यदि प्रशासन अब भी नहीं चेता और इस लाइन को नहीं हटवाई या अंडरग्राउंड नहीं करवाया तो पुनः कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, न कि वहां के रहने वाले कोई नागरिक होंगे। नागरिकों का क्या दोष है? नागरिक तो अपना मकान बनाएगा अपनी जगह पे, कोई फ्री की जगह से लेकर के तो सरकारी जगह पे तो मकान बना नहीं रखा है, खुद की जगह पे मकान बना रखा है। अब लाइन डालने की हटाने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है कि किधर होकर के लाइन जाएगी, किधर होकर नहीं जाएगी। क्या आबादी बस चुकी है, इतनी बड़ी आबादी रह रही है, तो उस लाइन को शिफ्ट करके दूसरी जगह होकर के ले जाना चाहिए, रोड से ले जाना चाहिए,
जो भी यह खर्चा आएगा वो प्रशासन बहन करेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी फिर क्या है? लोगों की जान की जा रही है, लोग मर रहे हैं उस विद्युत लाइन से, उसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेत रही है तो ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। तो मैं प्रशासन से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस तरह की जो लाइन जा रही है इसको तुरंत हटाया जाए या फिर अंडरग्राउंड किया जाए, नहीं तो दोबारा कोई भी बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है और उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। हाँ सर, और ऐसा नहीं है कि लोगों को बजट आया जहाँ इनको ऊपर पैसा मिलता है, आदमी को सब मिलते रहेंगे, कब है ये प्रशासन चेतेगा? कई प्रकार के हादसे हो चुके हैं, पचासों आदमी हताहत हो चुके हैं, आज ये घटना घटी तो ही कल फिर घटित हो सकती है, क्योंकि ये जो जिस कारण से घटना घटित हुई वो स्थिति है, जिस आज भी है, तार को हल्का सा दोबारे से रिपेयरिंग कर दिया गया, आज जिस घटना से अब तक घटना घटी तो वो स्थिति आज एज इट है, उसको क्यों नहीं है तो हटाया जा रहा, क्यों नहीं परिवर्तित किया जा रहा? ये हम सब ग्रामवासियों की पूरे गंगापुर सिटी की मांग है कि ये जिस प्रकार की जो जिनसे सरकार विकास की बात करती है, जहां आदमी तक सुरक्षित नहीं है, आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है, और मैं विकास की बातें करें, विकास के मुद्दे लें, पहले सरकारों को ये देखना चाहिए कि आदमी के जब जीवन तो सुरक्षित हो, उसके लिए हम बरसों से ऐसे निवेदन कर रहे हैं, बरसों से आ रहे हैं, आए दिन चींटी मकोड़े की तरह आदमी खत्म हो रहे हैं। आजकल दर्दनाक घटना एक मजदूर की हुई, उसके बाद भी अभी तक उसको डैमेज को तुरंत सही करके लाइन चालू करवा दी गई है। हम इसका तुरंत विरोध करते हैं और जब तक हमको आश्वासन प्रशासन नहीं देता जब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई तो हम चक्का जाम के उस पर आ जाएंगे और फिर प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। लाइन शिफ्टिंग करते हैं लेकिन वहाँ करते आधी जगह लाइन शिफ्टिंग हो चुकी है, पैसे लेके वहाँ ये लाइन शिफ्ट नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते। भी लाइन का जो तार डैमेज है उसको प्रशासन द्वारा तार को रिवाइंडिंग करके छोड़ दिया गया, अगर आंधी बरसात तूफान जोर से आया गया तो वायर दोबारा टूट सकता है, जिसकी इतनी समस्या आ सकती है, पूरी कॉलोनी खाक हो सकती है, लेकिन उसको तार को डैमेज को सही करके और लाइन चालू कर दी गई है, भयंकर लापरवाही प्रशासन। ऐसी घटना थी साहब, आस पास के 50 मकानों में घर जुड़ा है, 50 मकानों में घर जुड़ा है, वो तो भगवान का शुक्र था कि हम डोमेस्टिक लाइन की सप्लाई बंद थी, अगर खुदा ने खास तो वो चालू होती तो क्या हालात होते, ये पूरा मोहल्ला साफ हो सकता था। 33,000 केवी का शॉक क्या होता है आप सोच लो, एक सेकंड होता है।